इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे और उन्होंने कमल संदेश बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम के हरी झंडी दिखाते जय श्री राम के नारे भी लगे। आपको बता दें, रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। वहीं आपको बता दें, बीजेपी की ओर से प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर कमल संदेश बाइक रैली निकाली जा रही है। इस कमल संदेश बाइक रैली में हर बूथ से 5-5 कार्यकर्ता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ में पार्टी का संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सभी सांसद, मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रैली का हिस्सा बन रहे हैं। इन तस्वीरों में आप खुद ही देख लीजिए। कमल संदेश यात्रा से बीजेपी ने 2019 का आगाज भी कर दिया है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।